इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मुसर्रत परवीन इस्तीफा देने जा रही हैं। मैम, ये कितना सच सच्चाई है? हाँ, ये बात सच है। क्यों आप इस्तीफा दे रही हैं, इसका कारण क्या? हम लोगों को वार्ड कमिश्नर नहीं, वार्ड कमीशन फोर बना करके छोड़ दिया गया। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। आज हमारी मौजूदगी नगर परिषद जहानाबाद के वार्ड नंबर 13 में है और इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मुसर्रत परवीन हैं और उनके पति मोहम्मद शहनवाज उर्फ मुन्ना जी हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मुसर्रत परवीन इस्तीफा देने जा रही हैं। मैम, ये कितना सच सच्चाई है? हाँ, ये बात सच है। क्यों आप इस्तीफा दे रही हैं, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि नगर परिषद में कोई काम हो नहीं रहा है और जनता ने तो दोबारा हमें जिताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने जनता हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूँगी। हम बात करेंगे वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मुसर्रत परवीन के पति मोहम्मद शहनवाज से, जो खुल के बात करने के लिए जाने जाते हैं, नगर परिषद हो या आम जगह, ये खुल के आप अपनी बातों को रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त की जो खबर आपकी वाइफ ने दी है, पत्नी ने दी है कि वो रिज़ाइन देने जा रही हैं 10 दिनों में, क्या ये जल्दबाजी में फैसला है या सोच समझ के लिया गया फैसला है? नहीं, ये हम लोगों ने सोच समझ करके फैसला लिया है। हम लोग आए थे जीत कर इसलिए कि समाज का सेवा करें और कुछ अपने लोगों के लिए कर सकें, जो हो सके अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए हर इंसान को। लेकिन जब से हम लोग नगर परिषद में जीत कर के आए हैं, नरकीय ज़िंदगी हो गया। नगर परिषद का रवैया इतने ख़राब है कि अगर इसको नगर परिषद ना कह करके नरक परिषद कहा जाए तो बेहतर होगा। वहाँ हम लोग आज भी जो दोबारा हम लोग जीत करके आए हैं, इसी तरह का कोई भी काम चालू नहीं है। एक पुराना काम है, पहले का वही काम हो रहा है। इससे पहले जो हम लोग चुनाव जीते थे तो बहुत बेहतर था। जनता ने हमें घर बैठा करके दिया है। हम लोग वोट मांगने नहीं गए थे, जनता ने घर बैठा करके दिया। हम लोग आए थे सेवा करने के लिए, नहीं कि मेवा खाने के लिए। लेकिन ना यहाँ कोई काम होता है और न ही उम्मीद है कि 5 साल कोई काम होगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी पद किसी पोस्ट पर रहते हुए भी समाज का सेवा किया जा सकता है और करते हैं, करेंगे। जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, इसने हम लोगों के साथ हमें जिताया, हमारी वाइफ को। और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं आप लोगों के काम पर खरा नहीं उतर पाया। तो आपने आखिर इस्तीफा जो देने की घोषणा कर रहे हैं तो किसी दबाव में दे रहे हैं या अपनी मर्जी से दे रहे हैं? और क्या आप अगर यदि इस्तीफा देते हैं तो किसी और को सपोर्ट करेंगे? नहीं, इस्तीफा देने हम खुद अपनी मर्ज़ी से, हमारी वाइफ और हम लोगों ने मशवरा किया, यहाँ कुछ होना नहीं है। हम लोग समाज का सेवा करते आए हैं शुरू से और करेंगे, आज भी जनता को कहते हैं। लेकिन इस पद से रिजाइन दे देना है, इस्तीफा दे देना है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है हमारे पास। और हम लोगों तंग आ चुके हैं और यहाँ की बिहार सरकार की रवैया भी ठीक नहीं है। हम लोगों को वार्ड कमिश्नर नहीं, वार्ड कमीशन फोर बना करके छोड़ दिया गया। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग सेवा करने के हैसियत से भी आते हैं। सारे लोग वो ऐसे नहीं हैं कि हम कमीशन खाएं और घर बैठे रहें। क्या आगे आप किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और उम्मीदवार को? हमें किसी उम्मीदवार और किसी पर को जो है सपोर्ट करने की बात नहीं है। कोई नए वार्ड पार्षद आए जीत के हमारे मोहल्ला के लोग, जो भी आएंगे जिसको समाज चुनेगा, हम लोग उसका सहयोग करेंगे, सहयोग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। समाज का सेवा करना है, मिलजुल करके करना है। उन लोगों का यही इरादा है कि आप समाज का, और कल कुछ नया होने वाले हैं, कल हो सकता है कि हाँ सरकार भी नहीं बन जाए, संसद भी नहीं हो जाए,
लेकिन कोई भी आएंगे हम समझते हैं कि 5 साल काम होना नहीं है। नगर परिषद शहर के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, हमारे यहाँ जनता में भी कमी है। किसी ने भी संसद से जो भी प्रतिनिधि यहाँ के थे, अभी चुनाव का टाइम था, वोट तो सभी ने दिया, टोकरी से नहीं बोरा से दिया, लेकिन किसी ने जनता ने सवाल नहीं किया कि विकास के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, नरकी जिंदगी लोग जी रहे हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी के विधायक हों, संसद हों, किसी ने ताका ही नहीं लगा। तो एक वार्ड पार्षद ही क्या कर लेगा, और जनता का हमें बहुत दुआ और प्यार मिला है, हम उनसे खुश हैं। यही कहना चाहते हैं कि बस आप लोगों का दुआ प्यार साथ रहा तो हम आप सेवा करते ही रहे। तो देख रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर कि वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मुसर्रत परवीन इस्तीफा देने जा रही हैं, और मोहम्मद शहनवाज उर्फ मुन्ना जी जो उनके पति हैं, उन्होंने खुल के कि मैं जनता का सेवा करने के लिए आया था और यहाँ पे मैं सेवा नहीं करके कारण मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और इन्होंने अपने वार्ड के जितने भी जनता है उनसे क्षमा भी मांगा है कि हमसे कार्य नहीं होने के कारण मैं क्षमा करने, आप लोग मुझे क्षमा करें। कैमरामैन तमन्ना शेख के साथ मैं मोहम्मद फहीम हुसैन जहानाबाद।